हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक फेस पैक शेयर करूँगी जो कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा फेस पैक है और ऑयली स्किन वाले भी इसको लगा सकते हैं। इसे मैंने जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। आपको ये बहुत ही अच्छा ग्लो भी देगा और आपकी अगर स्किन में जो थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ भी आ रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी और पिंपल्स भी आपके दब जाएंगे। चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है। इस पैक के लिए हमें चाहिए, ये मैंने रोज का एक फ्लावर लिया है और एक गेंदे का फूल लिया मैरीगोल्ड और उसका रस निकाल लिया है मैंने। ये दोनों का रस है, ये एक एक फूल लिया है मैंने, उसका रस निकाल लिया अच्छे से और ये मैंने अच्छे से निकाल के और छान लिया है उसको। जो अदरक कूटने वाला होता है उसमें मैंने कूट के निकाल लिया ये रस। अब मैं इसमें मिलाऊंगी एक चम्मच बेसन। आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं, ज्यादा पतला नहीं करना है, मैं थिक ही करना है इसको। ये आपके जितने भी ऑयली स्किन होगी तो उसके लिए बहुत ही अच्छा पैक है, आपकी स्किन को ग्लोई बनाएगा, डल होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। इसमें डालूंगी थोड़ा सा कर्ड, इतना सा कर्ड लूंगी मैं। ये थोड़ा ज्यादा ही पतला हो रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल देती हूँ। इसको अच्छा थिक सा पेस्ट बना लीजिए आप और जब आप इसको चेहरे पे लगाएंगे तो ठंडक तो देगा ही और आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और स्किन पे बहुत ही अच्छा फर्क महसूस होगा आपको, एकदम शाइनी ग्लोइंग सॉफ्ट स्किन हो जाएगी इस पैक से और ऑयली स्किन भी इससे धीरे धीरे ऑयलीनेस भी कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। इसलिए आपने देख लिया है इसको बनाना कैसे है, अब देखते हैं इसको लगाना कैसे है। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, इसी तरह पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला, मीडियम ही होना चाहिए कि आपके चेहरे से गिरे ना। इस तरह से आपको लगा लेना है अच्छे से, आप नेक तक लगाइए इसको और थोड़ा मोटा ही लगाइए, इसको पतला नहीं लगाना है। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, मैं भी ब्रश से ही लगा रही हूँ। हमेशा कोई भी फेस पैक आपको इसी तरह इस डायरेक्शन में लगाना है, नीचे डायरेक्शन में नहीं लगाना है, नहीं तो झुर्रियाँ होने का डर रहता है, इसलिए हमेशा ऊपर की तरह अपर डायरेक्शन में ही आपको लगाना है। चलिए इस तरह से आप लगा लीजिए, मैं भी लगा के और जब सूख जाएगा तब मैं आपसे मिलती हूँ 20 मिनट 25 मिनट के बाद। तो देखिए गाइस ये सूख गया है, अब मैं इसको निकाल देती हूँ, ऐसे रब करके ही निकालूंगी, धुलने जा रही हूँ मैं। ये 20 मिनट हो चुके हैं, अब 20 मिनट में ये सूखे या ऐसे ही थोड़ा हल्का हल्का सूखे तो भी अच्छा है, पूरा नहीं सुखाना है हमने, जितना सूख जाए उतना ही बहुत है। बस अच्छा फेस पे अच्छा हो जाना चाहिए, अंदर तक पहुंच जाना चाहिए जो भी इसकी जो भी इसमें डाला हुआ था, जो भी प्रोडक्ट इसमें डाले थे मैंने, पाउडर्स वगैरह और जो भी चीज़ें इसमें यूज़ किए वो सब अच्छे से डीपली क्लीन हो जाए और अच्छे से उसका काम अच्छे से हो जाए। ठीक है, मैं वॉश करके आती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने धोकर आ गई हूँ, मैंने वॉश कर लिया है और आप खुद भी देख सकते हैं मेरी स्किन कैसा दिख रहा है, ग्लो आप खुद भी देख पाएंगे। जब आप इसको जरूर इसको ट्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको इफेक्ट मिलेगा। अब मैं
थोड़ा सा बस टोनिंग कर लूंगी अपने फेस पर और मॉइस्चराइजर कर लूंगी मैं डाबर का। रोज वाटर लगा रही हूँ। दो मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा, पीएच लेवल आपका बैलेंस रहेगा, टोनर लगाएंगे तो आप टोनर का यूज जरूर किया करिए अपने स्किन में। हमेशा जब भी मूड हो, शाम सुबह तो आपको यूज करना ही है। और वैसे आप नॉर्मल अगर हमेशा पानी से धोते रहते हैं तो गर्मियों में तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कहीं से आए हो, फेस वॉश करें उसके बाद आपको टोनर जरूर अप्लाई करना है। ऑयली स्किन है तो फेस वॉश पानी से, नॉर्मल पानी से तो धोना जरूरी होता है। 4-5 बार आप धो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं धोना है। अगर आप भी ऐसी स्किन चाहते हैं तो अच्छे से लॉट्स ऑफ वाटर पानी पीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए। 10 से 12 ग्लास आपको पानी पीना ही है। और अपनी जो हैबिट है, फूड हैबिट, वो अच्छे अच्छे फूड्स खाइए, फल खाइए और खुश रहिए। अब मैं मॉइस्चर क्रीम लगा लूंगी। ये है लोटस की वाइट ग्लो जेल है ये। ऐसे ही नहीं छोड़ना है अपने चेहरे को, हमेशा जब वॉश कर लेंगे आप फेस वॉश के, फेस पैक के बाद, तो आपको अच्छे से टोनिंग करके मॉइस्चराइजर आपको अप्लाई करना ही है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कुछ भी अप्लाई मत कीजिए। प्रेफर कीजिए कि अगर आप जा रहे हैं कहीं, उसके लिए आपको रात में ही फेस पैक लगा लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे वीडियो नए देख रहे हैं, मेरा चैनल नया देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल बटन होगा उसको सब्सक्राइब करिए, और फिर बेल आइकन आएगा तो उसको भी हिट कर दीजिएगा। मेरा अगला वीडियो नया आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय।